पीपल्स पार्टी को किसी एनआरओ की ज़रूरत नहीं, दूसरों को करने का अमल ज़्यादा अरसे तक नहीं चल सकता। हुकूमत मुलाजमीन की तनख्वाहों का इशू हल करे, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बहाल करे। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा की मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आजकल खिलाफ की बातें बड़ी हो रही है, फलां को खिला में भेज दें, फलां को खिला में भेज दें। वैसे तो खिलाई मखलूक जिसके साथ है उसी को खिला में जाना चाहिए, लेकिन जो खिलाबाज होते हैं वो खिलाओं में रहने की कोशिश करते हैं, खिला की बातें ही करते हैं। और आपको समझ ना खिलाबाज किन को कहते हैं। तो मेरी गुजारिश यह है, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पंजाब के अंदर मरकज़ में मज़दूर हड़ताल पर हैं, क्लर्क हड़तालें कर रहे हैं, कभी यूटिलिटी स्टोर्स वाले, कभी दीगर इदारों के मुलाजमीन हड़तालें कर रहे हैं। उनके इदारों को कौड़ियों के भाव बेचने के, उनको नौकरियों से निकालने के दरपे हुई पड़ी है गवर्नमेंट। और यहाँ पे महकमा हेल्थ के और वैक्सीनेशन डिपार्टमेंट के और दीगर डिपार्टमेंट्स के लोग जो हैं वो अपनी तनख्वाहों और अपनी नौकरियों की मुस्तकिली के लिए बच्चों के साथ सड़कों पर मौजूद हैं और ये रामलीला सुना रहे हैं कि सब अच्छा है। सुना है कि अब जो इनके अपने माइलस्टोन प्रोजेक्ट थे, जो इनके बड़े प्रोजेक्ट्स थे, 5 मिलियन घर, 50 लाख घरों का मंसूबा, अब उसके अंदर भी नई तौजीहात और तरजीहात बनाने की कोशिश की जा रही है। वो कौम को एक नए ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश है।